सर्दियों का टाइम है और खानी है मटन करी, लेकिन ऐसी मटन करी की रेसिपी मिल जाए जो कि जल्द से जल्द बन जाए और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो। तो इस रेसिपी में देखना आप मटन कितनी बढ़िया तरीके से गला होगा और ग्रेवी जो है वो कितनी बढ़िया तरीके से बनी होगी। तो इस रेसिपी को घर पे बनाना तो एक बार बिल्कुल बनता ही है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। मटन करी बनाने के लिए यहाँ पे लिए मैंने 5 प्याज, जिनको मैंने बढ़िया तरीके से पील कर लिया है, धो लिया है। साथ में चाहिए होंगे हमें 2 लार्ज पीसेस अदरक के, थोड़ा सा लहसुन, और यहाँ पे मेरे पास है 3 हरी मिर्च। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले प्याज को जो है वो काट लेना है, और काटना एकदम ज़्यादा बारीक भी नहीं है क्योंकि इसको जो है हम लोग मिक्सी में पीसने वाले हैं। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन को भी जो है मैंने थोड़ा सा छोटा काट लिया है ताकि मिक्सी में जो है वो अच्छी तरीके से पिस जाए। तो इसके साथ यहाँ पे मेरे पास है 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया दाना, और एक जो है काली इलायची लेके रखी है मैंने। तो सिर्फ इतने से मसालों में जो है हम लोग मटन करी बनाएंगे। तो इन मसालों को जो हम लोग ने अलग करके रखा था, एक एक टेबल स्पून जो है सबका है, तो उसको जो है हम इसके प्याज और अदरक लहसुन के साथ रख देते हैं और इसको जो है बढ़िया से हम लोग मिक्सी में पीस लेते हैं। और ये देखो आप, मसाला जो है वो कितनी बढ़िया तरीके से पिस गया है। अच्छा, इस मसाले की एक ख़ास बात ये है कि मैंने इसके अंदर पानी जो है वो काफ़ी कम रखा है, यानी कि मुश्किल से मुश्किल 1/4 कप जो है पानी इसके अंदर ऐड किया है। पानी जो है आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है और इसको जो है बढ़िया तरीके से ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे मेरे को ज़रूरत पड़ेगी 1 किलो मटन की। तो यहाँ पे जो है क्वांटिटी है 1 किलो। अगर आप आधा किलो मटन बनाना चाह रहे हैं तो इसकी रेसिपी को जो है आधा कर दीजिएगा आप, और सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है आप यूज़ कर सकते हैं फिर। तो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल का, जिसको मैंने बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग पॉइंट पे ला दिया था। उसके बाद ठंडा करके हम जो है इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर रहे हैं। और अगर आपके पास जो है मस्टर्ड ऑयल नहीं हो तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। इसी के साथ आप ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर 2 तेज़ पत्ते। तेज़ पत्ते ऐड करने के बाद आप जो है ऐड करिएगा इसके अंदर 1 चम्मच शाही ज़ीरा। लेकिन अगर आपके पास शाही ज़ीरा नहीं हो तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और जो हमारी हरी मिर्च थी उनको जो है मैंने बीच में से काट लिया है, और आप देख सकते हैं मैंने उसको तेल के अंदर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे जो है हमें ऐड करना है इसके अंदर मसाले को। तो मसाला जो है वो हम ऐड कर देते हैं। ज़्यादा देर आपको नहीं रखना है, बस कलर हल्का सा चेंज हो जाए और जो कच्चापन रहता है मसालों का वो निकल जाए। उसके बाद जो है हमारा मिक्सी में पीसा हुआ जो भी मटेरियल था उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसको लगभग आपको 5 से 6 मिनट के लिए पकाना होगा, जब तक ये हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए और प्याज जो है वो अच्छी तरीके से पक ना जाए। तो जैसे ही आपकी थोड़ी सी प्याज भुन जाए, उसके बाद जो है आप इसके अंदर सूखे मसालों को ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सूखे मसालों में मैंने ऐड किया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच नमक, और 1 चम्मच जो है मैंने यहाँ पे मटन मसाले का ऐड किया है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो भी मटन मसाला किसी भी कंपनी का आपके पास रेडीमेड होगा उसको आपको ऐड करना है। मीट मसाले के नाम से आता है, उसको आपको ऐड करना है इसके अंदर। और इस ग्रेवी को जो है लगभग 5 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, क्योंकि धनिया पत्ता आपको तो पता ही है ग्रेवी में कितना अच्छा लगता है, और मेरी लगभग हर वीडियो में मैं ऐड करता ही करता हूँ। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। अब दही जो है यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है 100 ग्राम। तो यहाँ पे जो है 100 ग्राम दही मैंने इसकी ग्रेवी के अंदर ऐड कर दिया है, और इसको ऐड करने के बाद जो है आपको इसको मिक्स करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। बस आप इसको मिक्स करते रहिएगा और इस ग्रेवी को लगभग 1 से 2 मिनट के लिए पकाइएगा। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उसके बाद जो है हम लोग मटन को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं जब मैंने मिक्स किया तो इसके अंदर जो है दही वो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने ऐड किया है। और 5 मिनट के बाद देखिए आप, इसका रंग बिल्कुल चेंज हो चुका है, दही जो है वो बिल्कुल इनकॉर्पोरेट हो चुका है हमारी ग्रेवी के साथ। और उसी के साथ साथ हम लोग को जो है अब मटन के पीसेस को ऐड करना है। अब ख़ास बात ये है यहाँ पे कि जैसे ही आप मटन को ऐड करें उसके बाद जो है आपको उसको भूनना है। भूनना मतलब इन द सेंस ग्रेवी और मटन के पीसेस को जो है इतनी अच्छी तरीके से मिलाना है कि जो मसाला है
हमारी ग्रेवी का वो मटन के पीसेस पे बहुत ही अच्छी तरीके से कोट हो सके। तो इसको जो है भूनना पड़ेगा और इसमें लग जाएंगे लगभग 7 से 8 मिनट। तो आप जो है इसको भूनते रहिएगा। तो जैसे 5 से 7 मिनट हो जाएं आपको भूनते हुए, अब आपको क्या करना है, हमें इसे प्रेशर कुक करना है। लेकिन उसके पहले हमारा जितना भी बचा हुआ दही था, मैंने पूरा एक बार में ऐड नहीं किया था, थोड़ा सा जो है 2 से 3 टेबलस्पून बचा हुआ था, तो मैंने अभी इस टाइम पे जो है वो उसको ऐड कर दिया है। साथ में जो मेरा गरम मसाला है वो मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच, तो 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब क्या करना है हमें, इन सबको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है मिक्स, और हमारा मटन पकाते समय जले ना, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया है। आपको ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मटन जो है ऑलरेडी पानी अपना छोड़ेगा, तो यहाँ पे जो है मैंने आधा कप ही ऐड किया है। लेकिन आपको थोड़ी सी पतली ग्रेवी वाला मटन खाना पसंद हो तो आप यहाँ पे 1 कप पानी ऐड कर सकते हैं। तो बस आपने जैसे ही इसको कर लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स, उसके बाद जो है हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि मटन को एकदम परफेक्टली आपको कैसे पकाना है। तो यहाँ पे जब आप इसको प्रेशर कुक करें तो आप इसको जो है हाई फ्लेम पे 2 विसल्स दीजिएगा और लो फ्लेम पे भी 2 विसल्स दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मटन में हो जाएंगी टोटल 4 विसल्स। तो इसको पकाएंगे आप कम से कम 20 मिनट के लिए और ये जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से फिर गल जाएगा। अच्छी बात यह है कि आपको जो है प्रेशर कुकर को खोलना नहीं है उस टाइम के लिए, ना इसकी विसल को ऊपर करना है। और जब आप ऐसा करेंगे, प्रेशर कुकर को ठंडा होने देंगे, तो आपका मटन जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। आप देखिए ज़रा इसको कितना बढ़िया लग रहा है, वो मटन जो है वो पूरी तरीके से गल चुका है और इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही बढ़िया लग रही है और बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी होने वाली है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पत्ता, उसी के साथ यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच जो है मैंने ऐड किया है गरम मसाला। जी हाँ दोस्तों, आपको गरम मसाला ऐड करना है और इसको जो है फिर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है। ज़्यादा तेल का हम लोगों ने आज बनाया नहीं है, आप देख सकते हो कम तेल का बनाया मैंने, और मटन के पीसेस को देखिए आप, बहुत ही बढ़िया तरीके से गल चुके हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी मटन करी की रेसिपी, और सर्दियों के टाइम पे आप इसको बनाओ, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। जब अपने फैमिली के साथ खाओगे ना तो ये रेसिपी जो है बहुत ही बढ़िया बनेगी और सबको बहुत पसंद आएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रूर, और ना आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी नई नई वीडियोज़ जो है आपके लिए लेके आता रहूँगा। कोई आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट हो वो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलूँगा नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।